हे गाइस, हम सब लोग जय भीम बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम बताते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भी मेरी जान, मैं हूँ आरजी जैकी आपके साथ। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। मैं भी बढ़िया हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। और एक गुड न्यूज आपके लिए, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट तैयार हो चुका है, तो जाके आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर लिखिए जय भीम मेरी जान, मेरा ये जो लोगो है वो आपको मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि वीडियोस तो दो तीन दिन बाद आते हैं, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। खैर, आते हैं आज के टॉपिक पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ये जानना कि भाई, हम सब लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, मिलते हैं तब बोलते हैं जय भीम जय भीम जय भीम, लेकिन ये जय भीम किसने दिया और इसके जनक कौन है? कभी आपने सोचने की कोशिश की? कभी रिसर्च करने की कोशिश की? यार, मेरे दिमाग में आया था कि जय भीम हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये कहां से निकला? अब जाके इस टॉपिक पे मैंने रिसर्च किया और चलिए बताता हूं ये शब्द हमें दिया किसने। तो वो महान शख्स बिलोंग करते हैं नागपुर के कामठी से, जिनका नाम है बाबू हरदास LN। जी हाँ, ये वही महान व्यक्ति है जिन्होंने अंबेडकर राइट आंदोलन को इतना ज्यादा आगे बढ़ाया। ये वही शख्स है जिन्होंने पूना पैक्ट में बाबा साहब की तरफ से सिग्नेचर किए थे, और ये वही शख्स है जिन्होंने हमें दिया जय भीम। इनका जन्म हुआ था नागपुर के कामठी में 6 जनवरी 1904 में, और कौन सोच सकता था कि ये लड़का बड़ा होके इतने महान काम करेगा, बाबा साहब के आंदोलन में जुड़ेगा। खैर, बाबू हरदास LN जी के पापा रेलवे में थे, तो उनका बचपन था बहुत अच्छा गया, लेकिन बहुत जल्द इनके पापा गुजर गए, जिसके वजह से फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, और खुद का गुजर बसर करने के लिए इन्होंने जॉब करना शुरू किया। हालांकि इनकी जो शादी है बड़े ही कम उम्र में हो गई थी, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, और ये शादी का इंसिडेंट इनके लाइफ में अंबेडकर राइट आंदोलन से जुड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस्सा कुछ ऐसा है कि इनकी शादी होने वाली थी, गेहूं घर पे थे और मेहमान आने वाले थे, इनको रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए था, तो ये जो गेहूं थे ये लेके गए चक्की, वहां पे गेहूं पिसाने वाले ने अछूत कह के इन्हें भगा दिया। उनका ये मानना था कि ये अगर हमारे चक्की पे आएगा, यहां पे गेहूं पिसाएगा, तो हमारी चक्की अपवित्र हो जाएगी। ये लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आया कि भाई, एक इंसान दूसरे इंसान को जब टच करता है तो वो अपवित्र कैसे हो सकता है? लॉजिक, कौन सा लॉजिक है? ये सुन के मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस इंसिडेंट के बाद किसी ने उनका आटा पीसा नहीं, तो आजू बाजू की जितनी भी आंटियां थी उन्होंने क्या किया, अपने ही घर पे इसको आटा पीसा और फिर बारातियों को खिलाया वो खाना। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बाबू हरदास LN जी के दिल में वो आग लगी ना कि नहीं यार, ये दिस इज रॉन्ग एंड आई विल चेंज द होल सिनेरियो। उन्होंने ये सोचा, अंधविश्वास को दूर भगाना है, और इसी चक्कर में उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में, आप सोच सकते हो 18 साल की उम्र में एक साप्ताहिक शुरू की जिसका नाम था महारठा। आप सोच सकते हैं 18 साल की उम्र में एक साप्ताहिक का संपादक अपने आप में बड़ी बात होती है। और ये सब काम करते करते वो एक दिन फाइनली मिले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से, और वो साल था 1930 का, जब नागपुर में हुए थे 1930 में डिप्रेस क्लास अधिवेशन, और इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने, भोजन की व्यवस्था की, पंडाल की व्यवस्था की, पानी व्यवस्था की, और वो बाबा साहब से जुड़ते चले गए। 1931 में पहली गोलमेज परिषद भरी थी, और उसमें ये बोला गया था कि दलितों का प्रतिनिधि कौन, माइंड माय वर्ड, मैं दलित वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन उस जमाने में गोलमेज परिषद भरी थी, तो वहां पे बड़ा ही कश्मकश चल रहा था, दलितों का प्रतिनिधि कौन होगा, मिस्टर गांधी या फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तब बाबू हरदास LN जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही हमारे असली प्रतिनिधि बनेंगे, वही हैं हमारे असली प्रतिनिधि। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से ये अपील की कि प्लीज आप टेलीग्राम भेजें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर मैकडोनल्ड को और कहें कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही हमारे असली प्रतिनिधि हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, कामठी से 32 टेलीग्राम पहुंचे थे लंदन। कैन यू बिलीव इट, 32 टेलीग्राम कामठी से, यहां से नागपुर के कामठी से लंदन पहुंचे थे कि भाई
भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं असली प्रतिनिधि हैं वो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। 1933 में उन्होंने बाबा साहब का जन्मदिन मनाने की शुरुआत की थी और पहली बार 6 जनवरी 1935 में हमें वो नारा मिला जिसके लिए हम आज जाने जाते हैं। जी हाँ, समता सैनिक दल में पहली बार ये आवाज गूंजी, जय भीम। और इसके बाद ये नारा हमारे दिलों में एक पावर हाउस की तरह बैठ गया, इसलिए हम आज एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं जय भीम। एक ताकत आती है और ये ताकत हमें दी है बाबू हरदास एलएनजी ने। खैर, ये थी एक अनसंग हीरो की कहानी जिसने बहुजन मिशन को बहुत आगे बढ़ाया है। ये कहानी अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज लोगों तक इसे शेयर करें, और मेरे वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस जरूर दें, क्योंकि आपके सजेशंस, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मिलता हूं अगले स्टोरी में, अगले वीडियो में। तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखने का, कहने का जय भीम ब्रो।